तो गाइस आज का जो कंपैरिजन है ना वो है 160 सीसी की दो धुरंधर मोटरसाइकिल का। अब ये जो दोनों ही मोटरसाइकिल है ये है बजाज की तरफ से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही ब्रांड की दो मोटरसाइकिल एक सेगमेंट में क्या कर रही हैं, वही आज आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ये है NS160 जिसको हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और ये है इनकी न्यूली लॉन्च N160 और ये डुअल चैनल ABS वेरिएंट है। हालांकि न्यूली लॉन्च नहीं बोलूंगा बट इनका डुअल चैनल ABS अभी आया है। तो भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं और फाइनली आपको कौन सी पिक करनी चाहिए, क्योंकि यार जब एक सेगमेंट में आ रही हैं एक ही ब्रांड की गाड़ी है तो भाई कन्फ्यूजन तो बनता है। अब वो कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर करके ही जाऊंगा आज की वीडियो में। तो पहले दोनों ही मोटरसाइकिल के लुक्स, डिज़ाइन और फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये है अपनी N160, यहाँ पे DRS दिए गए हैं LED में, ये यहाँ पे वाइट LED वाले प्रोजेक्टर दिए गए हैं। हालांकि दोनों ही बाइक नेकेड स्ट्रीट फाइटर हैं, ये भी नेकेड है, अपनी NS भी नेकेड है, बट हेडलाइट में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इसका लुक आप देखो कितना शानदार और कितना आई कैची, कितना मॉडर्न और कितना स्टाइलिश लग रहा है। वहीं पर अपनी ये NS160 देखो, ये लुक तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। हेलोजन वाली हेडलाइट है, बजाज की बैजिंग है, पायलट लैम्प है और नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर दिए गए हैं और सिंपल सा लुक है। तो कुल मिला के फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पर डेफिनेटली आपको N160 का ज़्यादा बेहतर लगेगा। एक चीज़ और नोटिस करो कि जो N160 के टायर हैं फ्रंट वाले वो थोड़े से मोटे हैं, यहाँ पे 100 सेक्शन के टायर हैं जबकि NS160 में 90 सेक्शन के टायर दिए गए हैं। एक और चीज़, डिस्क साइज़ आप देख लो, तो N160 में 300mm का डिस्क मिलता है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा लगता है इस बाइक में। और डुअल चैनल ABS दिया गया है, ABS का रिंग आप देख सकते हो, लेकिन अपनी जो NS है ना उसमें डिस्क साइज छोटा है जो कि है 260mm का, और ABS तो इसमें भी देखने को मिलता है। बट एक और डिफरेंस कि इसमें सिंगल चैनल ABS है जबकि N160 में डुअल चैनल ABS दिया गया है। तो भाई यहीं पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को समझ आ रहे होंगे। बाकी भाई लुक्स में मैं नहीं जाऊंगा कि भाई किसके लुक्स किसको बेहतर लग रहे हैं, बट अगेन ओवरऑल यहाँ पर अगर आपको एक क्लासी लुक की मोटरसाइकिल चाहिए जो क्लासी हो, मॉडर्न हो, फीचर रिच हो, देखने में ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा रोड प्रेजेंस के साथ हो, तब N160 आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये देखने में देखो कितना शानदार लुक दे रही है, हर जगह से प्रोपोर्शनेट है। ऐसे ही अपनी ये NS160 देखो, तो किसी किसी को ये भी बहुत पसंद आती है बट थोड़ी सी पुरानी हो गई है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और देख सकते हो दोनों में ही अंडरबेली एग्जॉस्ट है, ये अपनी NS160 में देखो अंडरबेली एग्जॉस्ट है और ऐसा पूरा इंजन है। और ये NSN भी दिखा देता हूँ, तो ये है अंडरबेली एग्जॉस्ट, ये यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन काउल है, इसमें भी 160 सीसी का इंजन है, उसमें भी 160 सीसी का इंजन है। लेकिन एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, नोट करने वाला डिफरेंस ये है कि N160 में 15 BHP के आसपास की पावर मिलती है, लेकिन NS160 में आपको 17 BHP की पावर मिलती है। तो डेफिनेटली पावर के टर्म्स में NS160 ज़्यादा बेहतर है, तो परफॉर्मेंस के टर्म्स में भी NS160 थोड़ी सी बेहतर होने वाली है, ये भी नोट करने का पॉइंट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप एंड NS160 का भाई N160 से ज़्यादा है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पीछे के लुक्स की तरफ, तो ये है N160 में पीछे 130 सेक्शन के टायर मिलते हैं और एक्स शेप की LED टेल लाइट है जिसमें क्रिस्टल्स जैसे कुछ तो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और ये है NS160, इसमें 120 सेक्शन के टायर दिए गए हैं और ऐसा पूरा इसका लुक है। तो कुल मिला के पीछे भी आप देखोगे तो N160 में थोड़े से मोटे टायर हैं जबकि NS160 में थोड़े से पतले टायर हैं, 120 130, यही डिफरेंस है। और हाँ, पीछे इसमें ABS नहीं है, N160 में ABS दिया गया है, तो यही है। बाकी मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स इसमें भी है, इसमें भी है। एक और मेजर डिफरेंस कि भाई जो अपनी N160 है ना वो ट्यूबलर फ्रेम चेसी में आती है, लेकिन NS160 जो है वो पेरीमीटर फ्रेम चेसी में आती है, तो ये एक डिफरेंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई N160 का ट्यूबलर फ्रेम चेसी है ना वो ज़्यादा सिटी फ्रेंडली लगा मुझे पर्सनली चलाने में, मतलब फ्लिक करना हो, निकलना हो, लीन करना हो, ज़्यादा मुझे इसमें मज़ा आया, है ना। एक तो डायनेमिक्स का भी फ़र्क पड़ता है, मतलब आप कैसे बैठे हो, पोस्चर वगैरह कैसा है, और दूसरी चीज़ है हैंडल की भी। जैसे आप देखो ना जो N160 के हैंडल हैं उनकी पोजिशन आप देखो, है ना, और आप ये NS की पोजिशन देखो हैंडल की, ठीक है। तो इसमें क्लिप ऑन्स दिए गए हैं और इसमें नॉर्मल सिंगल बार वाला हैंडल बार दिया गया, तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल है। फीचर्स देखते हैं, तो पहले आप N160 के पूरे फीचर्स देखो, तो ये ऐसा पूरा क्लस्टर है, सेमी डिजिटल है, और यहाँ पे डिजिटल पार्ट, यहाँ पे एनालॉग पार्ट, क्लॉक है, गियर पोजिशन इंडिकेटर है, टाइमर दिखाता है और बहुत सारे इंडिकेटर है, उन पर डिटेल पर नहीं जाऊँगा। यहाँ पर चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया गया है, स्विच गियर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ऐसा पूरा इसका लुक है। NS देखो आप, तो ये है अपनी NS160, इसका क्लस्टर देखो, ये भी सेमी डिजिटल है बट ये पुराना है, मतलब इसको हम बहुत टाइम से देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको पुराना लगेगा। एक आध फीचर्स इसमें कम मिलेंगे और हाँ, इसमें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, बाकी लगभग सिमिलर से फीचर हैं, जैसे इसमें भी क्लॉक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी
और स्विच इसकी भी अच्छी क्वालिटी के हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे क्लियरली कि N160 के जो स्विच गियर्स हैं वो ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं NS के कंपैरिजन में, और N160 के फिट एंड फिनिश भी ज़्यादा प्रीमियम लगती है NS के कंपैरिजन में। तो ये भी एक डिफरेंस के तौर पर आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। अब एक चीज़ और है जो कि आपको जानना चाहिए कि भैया जो अपनी N160 है ना, ये 2-valve इंजन के साथ आती है, मतलब उसमें 2-valve हेड है, लेकिन जो NS160 है ये 4-valve हेड के साथ आती है। तो ये भी एक डिफरेंस है, काउंट कर सकते हो। अब यार फीचर्स में मुझे लगता है कि आप सभी को पता लग चुका होगा कि N160 क्लियर विनर है। कोई फीचर आप उठा के देख लो, फीचर्स और लुक्स में। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस भाई ऐसा है कि दोनों की परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा 19-20 ही है। टॉप एंड में NS160 ज़्यादा बेहतर है, बट इनिशियली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। बट N160 के पास एज ये है कि उसका गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है भाई, मतलब क्लच बहुत लाइट है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, और कहीं पर भी आपको पावर में लैग नहीं लगता है। पर्सनली मैंने जो चलाया, मैंने जो फील किया मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इसकी भी गियर शिफ्टिंग अच्छी है, बट इसमें थोड़ा सा टिपिकल पल्सर वाला कैरेक्टर है, मतलब साउंड को ले लो या स्मूथनेस के टर्म्स में देख लो, मतलब अपन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन में N160 ज़्यादा स्मूथ है। बाकी माइलेज फिगर भी लगभग सेम रहेगा क्योंकि सेम सेगमेंट की है, दोनों में ही आप 40-42 के आसपास का माइलेज निकाल सकते हो। अब एग्जॉस्ट साउंड भी आपको बताऊँ तो N160 का एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा सा बेहतर है, एग्जैक्ट आप सुन सकते हो यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे मैं क्लियर विनर बताऊँ तो भाई वो है अपनी N160। ये ज़्यादा वर्थ रहेगी मेरे हिसाब से खरीदना अगर आप ऐसे बंदे हो कि थोड़ा सा आपको एक फीचर रिच मोटरसाइकिल चाहिए और देखने में अच्छी हो, लोग नोटिस करें, कुल मिला के आई कैची हो, तो फिर ये आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब यार प्राइसिंग में कैसा क्या डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग तो आप यहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिल के स्क्रीन पे देख सकते हो, बट आपको बताऊँ तो 1,24,000 कुछ रुपए NS160 की एक्स शोरूम प्राइस है, और जो N160 डुअल चैनल ABS है इसकी 1,29,000 या 1,30,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये है, अब आप बताओ आप कौन सी यहाँ पे पिक करने वाले हो, या कोई भी डिफरेंस यहाँ पे अगर मिस कर रहा हूँ मैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, और आई होप आपका डाउट अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा कैसा क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के मोटा मोटा यहाँ पे फीचर्स में ही ज़्यादा डिफरेंस दिए गए हैं और स्मूथनेस, और ये आप कह सकते हो कि बजाज ने में जो भी कमियाँ हमें देखने को मिलती थी ना पहले की मोटरसाइकिल में, वो सभी को सॉल्व करके बजाज ने एक नया प्रोडक्ट निकाला जो कि है N160।